वेलकम टू व्लॉग नंबर 10। वैसे आज का व्लॉग शुरू करने से पहले ना गाइस, आप लोग से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपका कोई एक ऐसा पुराना ऑनलाइन फ्रेंड हो जिसको आप बहुत सालों से जानते हो बट उससे आज तक कभी नहीं मिलो? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आज के व्लॉग में गाइस हम लोग जा रहे हैं मुंबई, वहाँ पे फ्री फायर क्रिएटर से मिलने वाले हैं और बाकी सरप्राइज सब अभी बता दूंगा, तो क्या फायदा, चलो शुरू करते हैं। बारिश पड़ गई, मुझे कोई शक नहीं। वेलकम बैक गाइस, काफी लंबे टाइम बाद गाइस आज मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ बट बहुत ही स्पेशल बनने वाला है। आप लोग ऐसे टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि भाई किसका आज फेस रिवील होने वाला है। आज हम लोग करने वाले हैं यस बॉट का फेस रिवील गाइस। जैसे आप लोग ना उसको बस ज्यादा से ज्यादा 2 साल से जानते होंगे बट मैं ना उसको पर्सनली जानता हूँ, मैं पिछले 7-8 साल तो हो गए होंगे। तो आप लोग के साथ साथ आज मैं भी पहली बार गाइस उससे मिलने वाला हूँ, काफी मजा आएगा भाई। लंबा ट्रिप हमारा मुंबई का, क्योंकि फ्री फायर वालों ने गाइस मुझे वहाँ पे कुछ टॉप सीक्रेट मीटिंग घर के बुला रखा है। आई डोंट नो अभी क्या होने वाला, बट इतना तो पता है कि भाई अदर यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं फ्री फायर के, तो पहली बार उन लोगों से भी मिलेंगे, गजब के व्लॉग बनेंगे भाई। 1 या 2 व्लॉग तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को देने की। यार फिलहाल मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ क्योंकि दिल्ली जाना है, उसके बाद मुंबई। इससे पहले कि देर हो जाए जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, लेट्स गो। चलो गाइस, पैकिंग तो हो गई है और ये रही हमारी बस जो मुझे दिल्ली ले जाएगी। अभी फिलहाल रात के 9 बजे हैं और मेरे चाचा और भैयो सिंह मुझे छोड़ने आए, तो चलो एक बार इनको भी बाय बाय कहते हैं और फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। दोस्तों अब जा रहे हैं दिल्ली के लिए, चलो अंदर से बस देखते हैं कि कैसी है। गाइज मैंने वैसे करवाई थी अपने लिए स्लीपर वाली सीट, क्योंकि यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है, 4-5 घंटे लग जाएंगे। चलो ऊपर तो चढ़ गया हूँ गाइज, बैग को साइड में रखता हूँ। एक बार यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है नीचे बस का, पर उससे मेरा क्या फायदा, ये फाटक को बंद करो और आराम से यहाँ पे पैर लंबे कर गए गाइज, चलते हैं दिल्ली को। गाइस दिल्ली तो मैं पहुंच गया हूं बट वक्त से कुछ ज्यादा ही पहले। बस वाला मुझे छोड़ने वाला था सुबह के 6 बजे बट उसने मुझे उतार दिया दिल्ली पे 4 बजे, पता नहीं शायद बस उड़ा के ले गया होगा। अब वो तो अच्छा हुआ कि इतनी रात को मुझे एक ऑटो मिल गया, तो अब इस ऑटो को पकड़ के गाइस मैं निकल रहा हूँ सीधे मेट्रो स्टेशन की तरफ, क्योंकि वहीं पर हमारी यस बॉट से मुलाकात होने वाली है गाइस। सुबह 6 बजे की बस थी वैसे गाइस, सुबह 6 बजे पहुँचने वाला था मैं दिल्ली, मगर सुबह 4:15 पर ही उतार दिया बस वाले ने, पता नहीं इतनी जल्दी कैसे लाया। अब बस पैदल हो गया हूँ यहाँ पे मैं। मेट्रो स्टेशन तो गाइस सुबह 6 बजे खुलता है शायद, मगर अभी मैंने दीपक गोला को बुला दिया गाइस, वो भी अपना ऑनलाइन फ्रेंड है, तो आज एक टाइप से देखा जाता हूँ हम ऑनलाइन दोस्तों से मिल रहे हैं अपने पहली बार। अब पता करता हूँ यार यहाँ पे स्टेशन अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मेरा एकदम फर्स्ट टाइम है इधर, बस एक्साइटेड तो हूँ मेट्रो में बैठने के लिए, लेट्स गो चलते हैं। मेरे ख्याल से यहीं आसपास होना चाहिए मेट्रो का गेट। वैसे मैंने एक दोस्तों यस बॉट को भी कॉल कर लिया है, तो वो भी कुछ देर में आ जाएगा। फिलहाल तो पूरे मेट्रो स्टेशन में गाइज मैं इकलौता आदमी खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, कोई आया ही नहीं है भाई इतने सुबह सुबह, मैं अकेले बैठा हूँ चुपचाप। अब बस यहाँ पे बैठ के अपने दोस्तों का वेट करते हैं। तो गाइज अभी वेट करते करते लगभग 6 ही बजने वाले हैं। दीपक गोला भी रास्ते में है, यस बॉट भी रास्ते में है। यस बॉट तो मैं जब स्कूल पढ़ते था ना 6-7 साल से हम लोग फ्रेंड है, मतलब गेम के ट्रेंड बदलते रहे, मैं उसको क्लैश ऑफ क्लैंस में मिला था, मिनी मिलेशिया, मतलब ट्रेंड बदलते रहे, लेकिन मेरा हर गेम में दोस्त एक ही रहता था यस बॉट। आज इतने सालों बाद भाई उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। लोग गाइस हु इज हियर दीपक गोला। अरे हेलो ऐसे कहते यार, शर्मा कहाँ रहा है तू, हेलो तो कहते। हेलो गाइस, दीपक गोला एक बात तो बता दे। क्या? अब तो तू मिल गया मेरे से, तो मतलब जैसा तूने मुझे कैमरे में देखा था वैसे मैं रियल में दिखता हूँ क्या? सेम दिखता है, सेम दिखता है थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। अब चलो मिल गया है तो फिर बैग है पकड़ो। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। तो भाई अपना यार बैग खुद ले जा लूंगा मैं अभी गाइस, यस बॉट आ ही नहीं रहा है, बताओ। 1 hour later. आइए आइए, यस बॉट इज हियर। क्या इस बार मैंने तो बहुत पहले देख लिया था, मैं तो विश्वास नहीं हुआ कि तू होगा। कहाँ? मैं तुमको वहाँ से देखा बोला है सही में। कितने पढ़ता था तू जब मिला था? मैं था 6th या 7th भाई, 6th में पढ़ता था, आज की डेट में बीटेक कर रहा है, आज जाके हम लोग मिल रहे हैं। इट्स टाइम टू लीव दोस्तों, अब जाते हैं बम्बई को, दीपक गोला का सफर यहीं तक था, चले फिर यस बॉट, चले चलो। चलो गाइज मेट्रो आ गई है, निकलते हैं सीधे एयरपोर्ट के लिए।
दोस्तों एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और इस वक्त हम यस बोर्ड को व्लॉगिंग सिखा रहे हैं। दरअसल अभी तो फिलहाल इसने व्लॉगिंग करके दिखाई है इस एंगल से। दोस्तों अभी बस एक ही जगह पे गोल गोल घूमने में लगे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है। बड़ी मुश्किल से खाना खा के वेट बढ़ाया था, अब सब कम हो जाएगा आज एक ही दिन एयरपोर्ट पे। भाई किताब लेने की सोच रहा है यस बोर्ड, क्या बात है। कौन सी किताब बताई? फूल मी वंस। भाई हमारा समाज रोज हमको फूल बनाता है और कितना गुड। चलो ये है भाई अपना एरिया, तो अब देखते हैं लोको चोको पाए। गाइस यार आज मेट्रो में पहली बार बैठा, मज़ा आ गया। क्या एक्सपीरियंस था, जो स्पीड में वो चल रही थी ना, मतलब भाई मज़ा आ गया। अरे दादा रे। अभी थोड़ी देर में गाइस 11 बजे की हमारी फ्लाइट है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पर 11 बजने का। तो दोस्तों अभी सोफे वाली सीट में बैठ गए आराम से। बाकी आज यस बोर्ड का भी फर्स्ट टाइम है फ्लाइट में, तो भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया। डर नहीं लग रहा है? अच्छा डर नहीं लग रहा। मैं तो जब फर्स्ट टाइम था पिछले बार मैं तो बहुत डरा था, मैंने कहा भाई आसमान में कुछ हो जाएगा तो बचने के चांसेस भी नहीं है। अरे हो जाएगा तो हो जाएगा, उसमें हमें रोक थोड़ी लेंगे। लोग ऐसी भी ज़िंदगी जीते हैं, देखते हैं अभी वो तो बैठने के बाद ही पता चलेगा जब झटके झटके लगेंगे। रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगा भाई तेरा तो। अरे कुछ झटके ना लगे भाई, नींद और आ जाएगी मुझे। चलो गाइस बम्बई जाने का वक्त आ गया, प्लेन के अंदर आ गए, सीट भी मिल गई है। आते टाइम तू बैठ जाना विंडो में, कैसा भाई अभी बैठ गए हैं। दोस्तों खाना पीना चल रहा है और यस पॉट ने मंगा दिया है कॉफी। बोलता है भाई जमीन में तो सब पीता है, मैं उड़ते प्लेन में पीऊंगा, मेरे लिए भी मंगा दी। चलो इसकी कॉफी ट्राई करते हैं अब। नो 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 देखो मुंबई पहुंचने से पहले इतना खूबसूरत मौसम था और मुंबई पहुंचने तक पूरा दिल भाई हमारे हाथ में आ गया था, इतना खराब मौसम। अब मुंबई लैंड करने के बाद यस बोर्ड कहीं और जाएगा गाइस और हम जाएंगे अपने फ्री फायर शूट पे। ओके तो गाइस अभी रूम में पहुंच गए हैं, आप लोग को रूम दिखा देता हूँ कैसा रूम है। भाई शुरू होते ही रूम तो फिलहाल ख़त्म है और पीछे का व्यू यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मैंने अपने बैग्स वगैरह कुछ ऐसे रखे हैं, यहाँ पे एक टीवी है और शीशा है एंड ये पता नहीं शायद ये खुलता नहीं है, और यहाँ पे बाथरूम है। बस यही यार फिलहाल दो दिन इसी कमरे पे रहना है। अभी बताओ गाइस हम किसके साथ बैठे होंगे। ओ भाई ये क्या है। चलो दिखाई देता हूँ। अपने साथ भाई लोकेश गेवा। हाय गाइस मजा आ गया, अभी आए हम लोग, देखते हैं क्या चलता है फ्री फायर का, पता लगने वाला है कब आएगा। लोगों जो है यार रियल लाइफ में मिलकर तो मजा आ गया, एकदम मैचिंग वाली वाइब जो बोलते हैं ना, मजा आ गया बात करके। अभी हम गप्पे ही मारने में है दोस्तों। बताओ, अरे यार मैंने वाइट कर रखा है, फिर कहता हूँ बताओ कौन है। गाइस अभी बताओ कमरे में कौन कौन आ गए हैं, शुरुआत करते हैं। सामने मैन भौजी भाई थे होंगे स्पोर्ट प्लेयर, और इसके बाद कौन आ रहे हैं? हेलो अमित भाई देसी गेवर, थैंक यू सो मच। और इसके बाद आ गए हैं नॉन स्टॉप गेमिंग भाई। थोड़ी देर में गाइस हम लोग को यहाँ पे शूट के लिए बुला लिया था और यहाँ पे इन्होंने हमें सबसे पहला सरप्राइज दिया कि फ्री फायर इंडिया वापस आ रहा है 5th सितंबर को। भाई टी शर्ट दिखा दे। अरे ये तो अपने को इंडोनेशिया में ही दिया था। फ्री फायर इंडिया, फ्री फायर इंडिया, क्या हुआ है? नहीं क्या है ये तो हुआ शर्ट ले ले, ये किसका है? सब और थोड़ा जोर से बोलो यार, मतलब फाइनली दोस्तों भी रात के 12:30 हो गए, अब जाके फ्री हुए हैं। हम तो सोच रहे थे पता नहीं कैसी जो सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, बट यहाँ पे तो फ्री फायर वालों ने क्या सरप्राइज दे दिया यार। अब तक तो शायद व्लॉग डालने तक आ भी गया होगा फ्री फायर इंडिया करके, एक उसी की शूटिंग वगैरह चल रही है। भाई बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, सो जाता हूँ पूरा दिन भर भूखे ही थे। देखते गाइस कल के दिन में क्या क्या शूट होता है, कल तो और भी ज्यादा सरप्राइजेस है बोल रहे थे। चलो गाइस रेडी हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मुंबई फिल्म सिटी। आज जो फुटबॉल के कैप्टन हैं हमारे इंडिया के सुनील छेत्री और सानिया नेहवाल वगैरह स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं। फिलहाल अब जल्दी से निकलते हैं रूम से
नाश्ता पानी करते हैं तो बैठ गए नाश्ता पानी करने के लिए। फौजी भाई ऐसी चीजें कौन खाता है? अभी भाई लोग भी बैठ गए हैं साथ में खाना खाने के लिए, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और ये पहुंचे गाइस हम लोग मुंबई फिल्म सिटी अपने फ्री फायर के सेट पे। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या शूटिंग हो रही है और हमारा क्या सीन है। अंदर तो सानिया नेहवाल की शूटिंग चल रही है गाइस और हमारा चल रहा है यहाँ पर मेकअप। वाह जो खेलते हैं वो जानते हैं। अभी बैठ गए तुम, लटका लो ना, तुम लटका लो ना, अच्छा लगो। वाह डायलॉग बाजी के लिए एक खुली आजाद आग। तुम्हारा क्या डायलॉग था भाई? क्या है ये आग? अभी भाई लोकेश भाई डायलॉग बोलो। जो खेलते हैं वही तो जानते हैं क्या। वापस जाकर देखा तो सानिया नेहवाल का अभी भी शूट चला था। मैंने कहा भाई पहले मेरे से फोटो करवा लो यार, बाकी तो चलता रहेगा। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। हमने शूट कंप्लीट करने के बाद सानिया नेहवाल के साथ फोटो शूट करा थोड़ा, उसके बाद सुनील छेत्री जी से भी मिले। चलो दोस्तों अभी शूट वगैरह एंड हो गया है, डिनर वगैरह करके सब बैठ गए हैं। मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा, पहली बार मिल रहे हैं, आई होप दोबारा मिलेंगे किसी दिन। बहुत जल्द मिलेंगे और अभी सबसे अलविदा भी ले लेते हैं। बड़े मुन्ना भाई, ये हमारे असली मुन्ना भाई, छोटे नहीं भाई, बहुत बढ़िया। और ये है हमारे अमित भाई और ये है भाई सेल्फी के भाई। सब लोगों से बहुत नए लोगों से मिले भाई, सबसे मतलब फ्रेंडली टाइप में मिला भाई। फर्स्ट टाइम था, सब दोस्त जैसे ही लगे। कैसा लगा आपको गाइस कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलते हैं, सो फिलहाल शूट तो कंप्लीट करके गाइस सब लोग अपने घर को जाने लगे, लेकिन हमारा काम अभी बाकी है मुंबई में। अभी हमको यस बॉट से मिलना है और पूरा मुंबई उसके साथ एक्सप्लोर करेंगे गाइस। नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही ऑसम होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए गाइस तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।